नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, और रोज की तरह आशीष मेरे साथ कंप्लीट कर रहे हैं। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, और कल की जो क्लोजिंग थी, खासतौर पे जो वीकली एक्सपायरी थी, वो एक नेगेटिव टोन के साथ देखने को मिली। 11,000 का की लेवल था जहां तक निफ्टी की बात है, और 27,800 का एक की लेवल समझा जा रहा था जहां तक निफ्टी बैंक की बात है। तो वो जो की लेवल्स हैं उनको ब्रीच किया कल के सेशन में, और जिस तरह की क्लोजिंग हुई खासतौर पर निफ्टी की 11,000 के नीचे, ये थोड़ी सी चौंकाने वाली और नेगेटिव कहना चाहिए। 5 दिन से हम लगातार मजबूत थे, और कल कहीं ना कहीं हमने जो गेंस है उनको पेयर किया, जो मुनाफा वसूली है कल मार्केट्स के ऊपर हावी होती हुई दिखी। लेकिन अच्छी बात यह है आशीष कि आज के लिए जो ग्लोबल संकेत है वहाँ से कुछ नेगेटिव नहीं है। अच्छी बात यही है कि ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आपको ऊपर नजर आएंगे, यूएस के मार्केट्स हल्के होके बंद हुए, लेकिन हाँ गेंस ही वहाँ पे देखने को मिले हैं। और यूरोपियन मार्केट जहाँ पे ECB का एक स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है, 0.5% के आसपास ही गेंस वहाँ भी देखने को मिले। कल रुपए में 52 पैसे की मजबूती थी, दमदार एक्शन देखने को मिला, 6 दिन से लगातार रुपए में तेजी देखने को मिल रही है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है जो कि हमारे हक में है कि क्रूड $60 के आसपास के लेवल्स ब्रेंट पे नजर आएंगे, तो ये भी हमारे लिए एक राहत की बात है। रुपया मजबूत है, क्रूड नीचे है, और ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट हमें मिल रहा है। कोई अगर बहुत बड़ी तेजी नहीं है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट भी एशियन मार्केट्स में आज नहीं देखने को मिल रही, और 11,000 के लेवल पे एग्जैक्ट आपको एसेक निफ्टी फिलहाल नजर आएगा। तो नेट नेट देखा जाए आज ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो उस बीच में कल की जिस तरह की एक्सपायरी और आज जिस तरह के संकेत हैं, आज आप आशीष कितने बाय और कितने सेल लेके आए? 2 दिन के बाद संदीप जी, आज फाइनली मुझे कुछ 2 स्टॉक्स ऐसे मिले जहां पर मैं बिकवाली देख रहा हूं कि थोड़ी और गिरावट आएगी। तो मेरे पास, मेरी सूची में 8 स्टॉक्स बाय की तरफ हैं अभी भी, और 2 स्टॉक सेल की तरफ हैं। चलिए, तो 8 शेयर आज भी खरीदारी की ओर है, बावजूद इसके कि कल जिस तरह की हमने मुनाफा वसूली और कल जिस तरह की वीकली एक्सपायरी हुई है, अब भी आशीष केवल 2 ही सेल कॉल लेके आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं आशीष, आज मेरे पास 5 बाय 5 सेल है, इवनली बैलेंस्ड है। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, दोनों तरफा मौके बाजार में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के शेयर शुरुआत करें, उससे पहले कल जो स्टॉक्स बताए गए थे उनका परफॉर्मेंस पहले बताइए। बिल्कुल, कल काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, ऐसे चौपी बाजार में भी लक्ष्य हासिल हुए काफी स्टॉक्स में। कर्नाटका बैंक काफी बढ़िया मूव दिया, 81 रुपए का लक्ष्य दिया था, हालांकि क्लोजिंग के टाइम पे इसमें थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन पूरे दिन लगभग बाजार में मजबूती रहा। रेमंड देखिए, लक्ष्य से ज्यादा तेजी देखने को मिली, 4.5% तेज हुआ था। NCL इंडस्ट्रीज ऐसे बाजार में भी 120 रुपए का लक्ष्य दिया था, 120 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ था, काफी बढ़िया प्रदर्शन। प्रीकॉल 10% की जोरदार तेजी, भारत बिजली यहाँ पर भी 930 रुपए के लक्ष्य हासिल हुए थे। NFL इसमें भी 28 रुपए का टारगेट दिया गया था, 28 रुपए का हाई बनाया स्टॉक ने। कल तो ऐसा लग रहा था कि ऑटो एंसरी शेयरों का दिन था। प्रीकॉल आपने बताया था 9.5% के आसपास से गेंस यहाँ देखने को मिले, और कल मैंने भी आपको याद होगा 4 ऑटो एंसरी स्टॉक्स बताए थे, उसमें से 2 स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो बेहद शानदार था। इसमें एक सेपको था 9.5%, ये ऊपर बंद हुआ। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज 20% के सर्किट पे जाके बंद हुआ, और कल आपको वॉल्चर नगर भी बताया गया था। एक ऑर्डर विन की खबर थी, मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्डर विन से ज्यादा कुछ ऐसे पिटे हुए स्टॉक्स भी हैं जहां पे अब खबरों का इंतजार है, वापस लाइमलाइट में आने वाली बात है। देखिए शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लगा। राणे इंजन में भी देखिए, दिन के दौरान तो तेजी काफी ज्यादा थी, 2.5% के आसपास से गेंस देखने को मिले, और स्पाइस जेट में भी 2.25% के आसपास की तेजी, जिस तरह से क्रूड गिरा है उसका इंपैक्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। HPCL में खरीदारी की राय थी, ये ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिला। आज जब आशीष आप शुरुआत करेंगे तो उम्मीद यही है कि सेल आपने बाद में के लिए बचाए रखेंगे। आज 2 दिन के बाद मुझे शॉर्ट कॉल्स मिले, तो सबसे पहले सेल पहले बताएंगे। बिल्कुल, पहले ही बता देंगे। चलिए ठीक है, फिर शुरुआत आप ही कीजिए। शुरुआत कर लेते हैं, सस्पेंस खोल रहे हैं। तो पावर ग्रिड आज बेचना है, पावर ग्रिड काफी वीक लग रहा है चार्ट पैटर्न्स पर, और बाजार की तेजी में भी खास तौर पे इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आज अगर मार्केट चौपी रहता है या नेगेटिव बायस के साथ रहता है तो पावर ग्रिड में जरूर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 195 रुपए के लक्ष्य के लिए पावर ग्रिड को शॉर्ट करिएगा, और 202 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला स्टॉक मेरी तरफ से। दूसरा भी बिकवाली का है, UBL। कल के सत्र में संदीप जी काफी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है स्टॉक के अंदर, और जो डेथ क्रॉस बना हुआ है यानी 200 DMA के नीचे 50 DMA आ चुकी है, और भाव दोनों DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, काफी नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है स्टॉक के ऊपर। 1240 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करिए, 1288 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए। क्या बोला आशीष आपने, डेथ क्रॉस? अब थोड़ा तो बताना पड़ेगा। डेथ क्रॉस ऐसा होता है कि जब 200 DMA के नीचे 50 DMA आ जाता है तब उसमें नेगेटिव बायस हो जाता है, और स्टॉक में काफी बढ़िया बिकवाली देखने को। अच्छा, छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 50 दिन वाली, वो लंबी अवधि वाली जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नीचे चली जाती है। बिल्कुल, छोटी अवधि वाली मूविंग एवरेज लंबी अवधि के भी नीचे चली गई। तो ये पावर ग्रिड में हुआ ऐसा नहीं, ये हुआ है UBL में। अच्छा हाँ, कल तो इसमें ओपन इंटरेस्ट में भी बहुत ज्यादा इजाफा था, स्टॉक शॉर्ट पोजीशन काफी बनी हुई है कल के सत्र में, तो ये और भी ज्यादा प्रेशर में आ सकता है। कल 2.5% के आसपास गिरकर डे लो के आसपास की क्लोजिंग हुई थी।
मैं लेकिन आशीष आपको शुरुआत सेल कॉल के साथ नहीं करूंगा, 5x5 सेल है, लेकिन पहले आपके सामने बाय कॉल्स रखना चाहूंगा। पहला नाम है प्रभा डेरी का। ये देखिए, इसमें पहली बात ये है कि अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, तभी इस ट्रेड में उतरी है। और दूसरी बात यह है, केवल इंट्राडे के लिए है, इसमें कोई भी पोजिशनल या तो फिर फंडामेंटल राय नहीं है, केवल पोजिशनल बेसिस पे खबर के लिहाज से आज, क्योंकि इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें डीलिस्टिंग के ऊपर विचार होना है, केवल उस वजह से स्ट्रिक स्टॉप लॉस 76 रुपये का लगा लीजिए, 85 और उसके बाद हो सकता है कि ऊपर के लेवल्स भी स्टॉक में बनते हुए दिखें, क्योंकि अगर डीलिस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर की और जो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, इन्होंने अपना डेयरी कारोबार बेचने की जो बातचीत रखी थी उसके बाद उस रकम का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होगा, फिर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, उस वजह से शेयर में बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। उस लिहाज से देखा जाए बीटन डाउन लेवल्स पे है, इसीलिए जब खबर आई भी थी कि बोर्ड बैठक होने वाली है इनकी, सोमवार को शायद खबर आई थी, उस दिन भी 20% के आसपास चला था। तो आज अगर डीलिस्टिंग अप्रूव हो जाती है तो हो सकता है कि इंट्राडे में बड़ा मूव बनता हो दिखे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ एक स्टिक स्टॉप लॉस और केवल इंट्राडे में इसमें आप पोजीशन बना के चलिए। दूसरा नाम है बायोकॉन का। यहाँ पे खबर दरअसल ये निकल के सामने आई कि चाइना मेडिकल सिस्टम होल्डिंग के साथ उन्होंने 3 जेनरिक फॉर्मुलेशन के लिए एक लाइसेंस और सप्लाई के लिए करार किया है। ये चाइना में फॉर्मुलेशन सप्लाई करेगी बायोकॉन, और इस ड्रग की जो मार्केट है, जो पोटेंशियल मार्केट है, वो करीब करीब 5,700 करोड़ रुपए के आसपास का आंका जा रहा है। चाइना में अगर आप देखें एक के बाद एक जो कंपनी से अब एंटर करती हुई दिख रही हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट साइज़ है, और देखा जाए इन जिन ड्रग्स के लिए इन्होंने करार किया है उसका पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है। तो बायोकॉन में वैसे भी हाल फिलहाल कोई बहुत बड़ा मूव बना नहीं है, और न्यूज़ फ्लो के आधार पर अगर आज तेज़ी बनी तो 240 रुपये तक के जोन आ सकते हैं। आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 230 रुपये का, बायोकॉन को प्लस करके चल सकते हैं। ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस, मेरी तरफ से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह, 91.50 रुपये के लिए 87 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, आज अगर सत्र में थोड़ी भी तेजी देखने को मिलेगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा और 91.50 रुपये के लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है। इसके अलावा फिनिक्स मिल्स, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आप देखेंगे असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ है और 695 के इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। 708 रुपये के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करिए, 690 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। तीसरा नाम मेरी लिस्ट में जो खरीदारी का ट्रेड है वो है फ्यूचर रिटेल का। अमूमन हम देखते हैं कि स्टॉक में जो एक्शन है वो ऐसे कम देखने को मिलता है, लेकिन आज इसे चुनने की वजह या शामिल करने की वजह यह है कि कल एक फंड एक्शन हुआ है इस कंपनी की, जहाँ तक बात है बेनेटन कोलमैन, ये कंपनी जो है उन्होंने करीब करीब 1.5 फीसदी के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी की खरीदी है। करीब 74 लाख शेयर उन्होंने कल खरीदे हैं, ये बल्क ब्लॉक डील का डेटा है जिसमें उन्होंने 406 रुपये का भाव है जहाँ पर उन्होंने खरीदारी करी है, और उन्हीं लेवल्स के आसपास देखिए कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। बड़ी खरीद हुई है लेकिन बाजार का मूड खराब था, कल एक्सपायरी थी तो नीचे आया था बाजार, उस वजह से कुछ ज़्यादा बड़े गेंस बन नहीं पाए, लेकिन फ्लैट स्टॉक का बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ा नाम जुना है, अगर आप आशीष जानते हो बेनेटन कोलमैन तो टाइम्स ग्रुप से एसोसिएटेड है जी, तो उस हिसाब से देखा जाए उनकी पेरेंट ये कंपनी है, तो फ्यूचर रिटेल के लिए हो सकता है क्योंकि बड़ा नाम जुड़ा है, तो आज यहाँ पे एक बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा, 422-430 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करें, 402 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। एक स्टॉक है इंडिगो का, कल इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। कल आपको याद होगा मैंने स्पाइसजेट आपको बताया था 3.75% चढ़ के बंद हुआ था, लेकिन इस स्टॉक में देखिए चूंकि ये वायदा बाजार का हिस्सा है तो कल जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला था। कल का सेशन आप देखिए करीब 60 रुपये के आसपास का मूव था, 3.5% चढ़ के डे हाई के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए मार्केट कमजोर था, मार्केट में हमने देखा 24 सेशन था, गिर भी रहा था, वापस रिकवर हुआ, फिर गिर के बंद हुआ, लेकिन इस स्टॉक का चार्ट देखिए मार्केट की मूवमेंट का किसी भी तरह का कोई भी असर इस पर नहीं देखने को मिला है। कल जब हम बात कर रहे थे तो $61 था, परसों $63 था ब्रेंट, और आज $60 के आसपास के लेवल्स हैं। तो ETF की जहाँ तक बात है, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है, तो वो एक मेन ट्रिगर है जो कि इंडिगो को कहीं ना कहीं ड्राइव करता हुआ दिख रहा है। और दोनों प्रोमोटर्स के बीच में जो विवाद चल रहा था, अगर वो भी सुलझने की बातचीत है तो फिर इनके लिए जो हैंगओवर है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बेस्ट प्ले है जहाँ तक अगर आप लिस्टेड स्पेस में एविएशन कंपनीज की बात कीजिए तो फिर इंडिगो में हो सकता है आज भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखें, फॉलो अप बाइंग भी आती दिख सकती है। 1765 आज का टारगेट प्राइस है, 1705 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरी तरफ से पांचवा स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है CCL प्रोडक्ट्स, 255 रुपये के लक्ष्य के लिए आज इसमें खरीदारी करिए, 240 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। 50 DMA के ऊपर क्लोजिंग है स्टॉक की, काफ़ी बढ़िया लेवल पर बंद हुआ है और बॉटम फॉर्मेशन भी दिख रहा है, यहां से तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो CCL प्रोडक्ट्स बाय करेंगे 255 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये तो चाय कॉफ़ी वाली कंपनी है, बिल्कुल वही है ना, वही है, इंस्टेंट कॉफ़ी बनाती है, 80% मार्केट शेयर है इसका। अरे वाह, तो इसमें कुछ बाकी जो चाय स्टॉक्स है उनमें कुछ है या CCL प्रोडक्ट्स दिख रहा है कि चार्ट पैटर्न्स पर बढ़िया ब्रेकआउट, केवल चार्ट पैटर्न चार्ट। चलिए ठीक है, पांचवा नाम जो मेल इसमें है वो है अदानी ट्रांसमिशन का। देखिए कल आपको आशीष याद होगा मैंने आपको वालचंद नगर बताया था, उससे पहले ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स बताए थे,
और उससे पहले भी कुछ स्टॉक्स पेपर स्टॉक्स सेक्टर से जुड़े बताए थे। ये अदानी ट्रांस जो है ना, देखिए ये वही श्रेणी वाला स्टॉक है जो कि ट्रेडर्स के रडार पे काफ़ी समय हो गया कि नहीं आता वो दिखा है, और जब भी कोई अच्छी खबर आती है या वापस लाइमलाइट में आता है तो मूव फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। एक जो बड़ा मूव है ना इस स्टॉक में काफ़ी लंबे समय से ड्यू है, और अब जो खबर आई है वो तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज स्टॉक को सपोर्ट करते हुए दिखे भी। करीब करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने जो गिरवी रखी हुई थी उसे छुड़वाया है। 6, 7 और 11 सितंबर ये वो डेट्स हैं जब गिरवी रखे शेयर जो हैं वो छुड़ाए गए हैं, और हिस्सा काफ़ी बड़ा है, करीब 3% के आसपास का हिस्सा है। तो अदानी ट्रांस में क्योंकि ये ट्रेडर्स का फेवरेट है, जब भी लाइमलाइट में आता है, जब स्विंग आता है तो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे की ओर। और हाल फिलहाल का जो करेक्शन हुआ है और एक जो अपमूव ड्यू है और जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, मुझे लगता है कि बड़ा एक्शन इस स्टॉक में आज बन सकता है। टारगेट मैंने एग्रेसिव नहीं दिए हैं, लेकिन अगर 240 रुपये के ऊपर ही जाता है फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, फर्दर गेंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। शुरुआती कारोबार में 227 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आशीष आपका रिकैप देख लेते हैं। मैंने शुरुआत की थी दो सेल कॉल से। सबसे पहले पावर ग्रिड चार्ट पैटर्न्स पर काफ़ी खराब लग रहा है, 195 रुपये के लक्ष्य लिए यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, 202 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अलावा UBL ये अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे बंद हुआ है, डेथ क्रॉस हुआ है यहाँ पर, तो 1240 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लीजिए और 1288 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अलावा ओरियन प्रो सॉल्यूशंस यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 91.50 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 87 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। फिनिक्स मिल्स असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, 695 के एम लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, 708 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 690 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और 500 स्टॉक मेरी तरफ से जहां पर खरीदारी करनी है, CCL प्रोडक्ट्स 255 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 240 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। 50 DMA के ऊपर बंद हुआ है, चार्ट पैटर्न्स में भी बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, खरीदारी करनी है CCL प्रोडक्ट्स में। मैंने आपको 500 स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं। पहला नाम था प्रभात डेयरी का, केवल इंट्राडे के लिए। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, 6 स्टॉप लॉस के साथ उतरे, आज डीलिस्टिंग को लेकर बोर्ड बैठक है, 85 का लक्ष्य है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 76 रुपये का। बायोकॉन ने चाइना में कुछ ड्रग्स के लिए फॉर्मुलेशन सप्लाई करने के लिए करार किया है, अच्छा पोटेंशियल मार्केट साइज है उसका, 240 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। फ्यूचर रिटेल में बेनेट एंड कोलमैन, ये उन्होंने कल बड़ी खरीदारी करी है, करीब 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है, जिन लेवल्स के आसपास खरीदी उन्हीं लेवल्स के आसपास कल क्लोजिंग हुई है, 422 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। कल इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो में कल लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी, बाजार कमजोर था लेकिन ये स्टॉक करीब 3.5% चढ़ के बंद हुआ, 1765 का टारगेट आज के लिए, 1705 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और अदानी ट्रांस एक ऐसा स्टॉक है क्योंकि लंबे समय से अब मूव इसमें ड्यू है, हाल फिलहाल जो तेजी बनी है उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया इसने, आज हो सकता है कि जो गिरवी रखे शेयर छुड़वाएं प्रमोटर्स ने, उसके चलते 240 तक के जोन्स बहुत आसानी से आ जाएं, 227 रुपए के आसपास का आप यहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आशीष ने 2 सेल और 3 बाय बताए थे, मैंने आपको सारे ट्रेड्स खरीदारी के बताए थे, लेकिन अब मैं आपको सारे ट्रेड्स बिकवाली के बताऊंगा। शुरुआत में करना चाहूंगा PVR के साथ। हाल फिलहाल अगर आपको याद होगा काफ़ी अच्छा एक्शन इस स्टॉक में बना है, तेज़ी बनी थी क्योंकि जिस तरह के एक्सपेक्टेशन या तो फिर एंटिसिपेशन था कि जब जियो फाइबर लॉन्च होगा तो इनके कारोबार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर आता हो देख सकता है, खासतौर पर जो उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला जो प्लान था उसको लेके जितने कंसर्न समझे जा रहे थे, चिंता समझी जा रही थी, उतनी चिंता नहीं आई। लेकिन स्टॉक हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है और अब तो यहाँ पे इनके खिलाफ एक प्रूफ भी चल रही है, जांच भी चल रही है कि शायद इन्होंने GST के जो फायदे हैं, जो पर्क्स हैं, वो ग्राहकों को पास ऑन नहीं किए हैं। तो इस प्रूफ के चलते जो जाँच हो रही है इस कंपनी के खिलाफ, उस वजह से हो सकता है कि शायद इसके ऊपर आज स्टॉक के ऊपर प्रेशर आता हो दिखे। कल भी बाजार में गिरावट हुई लेकिन स्टॉक में ज़्यादा प्रेशर नहीं था। 1550 रुपये आज का टारगेट प्राइस है, 1600 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। एक स्टॉक जो कि बहुत वीक था कल के सेशन में, शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी थी, वो है गेल का। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था और स्टॉक गिर के कल बंद हुआ है और स्ट्रक्चर वैसे भी वीक है। आशीष भी कह रहे थे इनका जो टेक्निकल पैटर्न है वो भी काफ़ी ख़राब है, तो आज हो सकता है कि आज फिर से इसमें बिकवाली बनती हुई दिखे। 121-120 तक के जोन तक आसानी से जा सकता है, 128 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। गेल में भी अगर ऊपर भी खुलता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना चल सकते हैं। मेरी तरफ से अगला कॉल जहां पर खरीदारी करनी है, डॉक्टर रेडीज। खबर आ रही है कि USFDA ने इनकी द्वाडा यूनिट को क्लीन चिट दे दी है और फार्मा स्टॉक्स के लिए खबर काफ़ी अच्छी तरीके से एक्ट करती है, पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। 2810 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है डॉक्टर रेडीज में और 2786 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा डॉलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है स्टॉक में, नैरो रेंज है, रेंज से आज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो 206 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करिए, 198 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। टाटा स्टील, आशीष मैं आपके सेक्टर में घुसपैठ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर है ना हेमांग जी, वो भी काफ़ी टेक्निकल्स को काफ़ी कीलनी वॉच करते हैं और उन्होंने ही कहा था कि आज हो सकता है कि जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। हूबहू वैसा ही जैसा हमने कल ऑटो स्टॉक्स में देखा,
तीन चार दिन से काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे थे। और कल ऑटो स्टॉक में आपने देखा प्रेशर कैसे देखने को मिलता, मारुति जैसे स्टॉक 3-4% के आसपास गिर के बंद हुए। आज हो सकता है कि जो मेटल स्टॉक्स हैं उनमें मुनाफावसूली हावी होती हुई दिखे, और उसमें टाटा स्टील पहला नाम है क्योंकि हाल फिलहाल जो तेजी बनी है उसमें काफी अच्छा एक्शन इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा था। 350 रुपये आज का टारगेट प्राइस है, 368 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। वो एचयूएल दूसरा नाम है, ये एफएमसीजी पैक से है, यहाँ पे भी हो सकता है कि कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखे। चार्ट पैटर्न यही इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1780 रुपये ये आज का टारगेट प्राइस है, 1820 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सन फार्मा आज बाय करना है 438 रुपये के लक्ष्य के लिए, 420 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया लग रहे हैं, और अगर ये एक बार 432 के ऊपर निकल जाता है, 428 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 432 के ऊपर निकल जाता है तो अपसाइड की पोटेंशियल और बढ़ जाएगी, तो सन फार्मा में खरीदारी करिए। इसके अलावा कल्पत्रु पार यहाँ पर खरीदारी करनी है 473 रुपये के लक्ष्य के लिए, 456 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर आ रही है कि HDFC AMC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, करीब 7.4% से बढ़ाकर 9.6% कर दिए, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। कल्पत्रु पावर में खरीदारी करेंगे आज। आखिरी स्टॉक जो मेल लिस्ट में है वो भी बिकवाली का ट्रेड है, वो है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज। कल का अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट पोजीशंस बनने की जो इंडिकेशन है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहे थे। 1200 का एक बहुत ही की लेवल है, एक अहम लेवल है। कल हम फाइनल ट्रेड में बातचीत कर भी रहे थे, देखिए कल 2% के आसपास गिर के डे लो के आसपास इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कल इनफैक्ट वागले जी से बात हो भी रही थी, वो कह भी रहे थे कि जो 1200 का लेवल है बहुत अहम है, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नीचे में हो सकता है कि 1180-1185 तक के जोन्स हैं वो स्टॉक में आते हुए दिखें। तो आज हो सकता है कि प्रेशर अगर रहा 1200 का लेवल टूटता है फिर नीचे में 1185 रुपये तक की चाल स्टॉक में आसानी से देखने को मिल सकती है। आप एक 1220 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए स्टॉक में, बिकवाली ही करके चले क्योंकि कल शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं और प्रेशर स्टॉक में बना है, हैवी वेट है, इसी वजह से कल बाजार में प्रेशर बना भी था। अगर आज भी गिरता है बाजार तो इसी का ही हो सकता है कंट्रीब्यूशन ज्यादा देखने को मिले। 1185 का लक्ष्य है लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 1220 रुपये का। मेरी सूची में आखिरी स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है अल्ट्रा टेक सीमेंट, 4100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करिए, 3980 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है, चार्ट्स पर भी काफी बढ़िया लग रहा है, अच्छी खासी तेजी आते हुए दिख सकती है आज अल्ट्रा टेक में, तो 4100 रुपये के लिए बाय करके चलिए। चलिए तो 20 शेयरों की लिस्ट पूरी होगी, लेकिन आपने अगर कोई भी स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं एक रीकैप। मैंने शुरुआत करी थी प्रभात डेयरी के साथ, केवल आज के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आज डीलिस्टिंग को लेकर बोर्ड बैठक है, 85 रुपये का लक्ष्य होगा। बायकॉन चाइना में इन्होंने कुछ दवाओं के लिए करार किया है, 240 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। फ्यूचर रिटेल में कल जो ब्लॉकबस्टर डील का डेटा देखें तो बेनेटन कोलमैन ने कल 1.5% के आसपास का हिस्सा खरीदा है, 422 रुपये का लक्ष्य होगा। इंडिगो में कल लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं, 1765 का टारगेट लेके आज भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अदानी ट्रांस यहाँ पे प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं, 240 का लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 227 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा 5 मैंने सेल कॉल्स भी आपको बताए थे, पहला नाम इसमें है PVR का, जहाँ पे कुछ जांच की खबरें हैं, 1550 का टारगेट होगा। गेल में शॉर्ट कीजिए, कल भी मंदी के सौदे पड़ते हुए दिखे थे, 121 रुपये का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। और आज हो सकता है टाटा स्टील एचयूएल जैसे स्ट्रक्चर में मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखे या तो फिर कमजोरी आती हुई दिखे। टाटा स्टील में 350 का लक्ष्य है, 1780 तक की चाल एचयूएल में आज देखने को मिल सकती है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज भी गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, आज 1185 का टारगेट लेकर इसमें बिकवाली करें, 1220 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मेरी सूची में 2 कॉल्स जो हैं वो बिकवाली के हैं, बाकी 8 खरीदारी के। बिकवाली के देख लेते हैं, सबसे पहले पावर ग्रिड आज बेचना है 195 रुपये के लक्ष्य के लिए, 202 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे, चार्ट पैटर्न्स पर काफ़ी खराब लग रहा है। इसके अलावा UBL अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग है, 1240 रुपये के लिए बेच के चलिए, 1287 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। ओरियंट प्रो सॉल्यूशंस यहाँ पर खरीदारी करनी है, 91.50 रुपये के लक्ष्य के लिए, 87 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, डेली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आज। फिनिक्स मिल्स असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, 695 के रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है, 708 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 690 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। CCL प्रोडक्ट्स 50 DMA के ऊपर की क्लोजिंग है, 255 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 240 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज पर पॉजिटिव खबर है, डुआडा यूनिट को क्लीन चिट मिल गई है USFDA से, 2810 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 2786 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। इसके अलावा डॉलर इंडस्ट्रीज 206 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 198 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉक ने नैरो रेंज फॉर्म कर रखी है जहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सन फार्मा में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है, 438 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 420 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। कल्पत्रु पार HDFC AMC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, इसका एक इम्पैक्ट आज आते हुए दिख सकता है,
473 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 456 रुपए का स्टॉपलॉस रखेंगे और आखिर में अल्ट्राटेक यहां पर भी आज आपको तेजी देखने को मिलेगी, 4100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 3980 रुपए का आप स्टॉपलॉस रखेंगे। तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है, 13 शेयर खरीदारी के, 7 शेयर बिकवाली के।